जो सिलसिला शुरू हुआ लेनिन से, उसके बाद पेरियार और अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जहां जिसकी ताकत है वो वहां पर जोर आजमाइश कर रहा है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? 20,000 रुपए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। 6 जुलाई 1901 में कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। 1929 में राजनीति की शुरुआत की, बंगाल विधान परिषद में चुने गए। 1947 में पंडित नेहरू के कैबिनेट में भी शामिल हुए। 1950 में नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। 1951 में आरएसएस के गोलवालकर के कहने पर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1952 के चुनाव में जनसंघ के 3 सांसद चुने गए थे। भारत की अखंडता और कश्मीर का भारत में विलय के समर्थक रहे हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का विरोध करते रहे हैं। अब पेरियार कौन है? पूरा नाम पेरियार ई रामस्वामी, विचारक हैं। 17 सितंबर 1800 पेरियार समाज सुधारक थे, स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था जिसे द्रविड़ियन आंदोलन भी कहा जाता है, जाति व्यवस्था का विरोध करते रहे थे। अपने नाम के आखिर में अपनी जाति की पहचान वाले शब्द को हटा दिया था। 1919 में कांग्रेस से जुड़े लेकिन 1925 में उसे छोड़ दिया। अंधविश्वास, बाल विवाह का विरोध किया उन्होंने, महिलाओं को समान अधिकार के हिमायती थे पेरियार। लेनिन, रूस के महान क्रांतिकारी नेता थे व्लादिमीर लेनिन। 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति लेनिन की अगुवाई में हुई थी। सोवियत संघ में समाजवादी शासन की स्थापना व्लादिमीर लेनिन ने की थी। लेनिन यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर के प्रमुख थे। लेनिन ने कई किताबें लिखी, मार्क्सवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया, जिससे यहां भारत में कई लोग प्रभावित हैं। साल 1924 में स्ट्रोक की वजह से उनकी मौत हो गई। लेनिन का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था, उनके शव को रूस संरक्षित रखा गया है रूस में। तो इन तीनों विचारकों का प्रभाव उनके समर्थकों में बेतहाशा है, मगर उनकी मूर्तियां तोड़ के किस तरह की नफरतें समाज में फैलाई जा रही हैं, उसके सबूत, उसके प्रमाण आपके सामने हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।